स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आईटीआई पाठशाला में। तो बच्चों, जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो आपका इंजीनियरिंग लेटर से संबंधित है। तो आपको ओनेस्टी लिखना है सिंगल स्ट्रोक वर्टिकल कैपिटल लेटर्स में, जिनका जो अनुपात है वो कितना है 7:4, और आपको हाइट कितनी रखनी है 45 mm। तो आपको 45 mm की ऊंचाई रखते हुए 7:4 के अनुपात में क्या लिखना है, आपको ओनेस्टी लिखना है, और वो आपको सिंगल स्ट्रोक और वर्टिकल कैपिटल लेटर में लिखना है। तो आपके एग्जाम में अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो उसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आप दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। इन दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो गैप रहेगा आपके क्वेश्चन की हाइट के अनुसार होगा। तो हमें क्वेश्चन में जो हाइट गिवन है वो कितनी गिवन है 45 mm। तो आपको 45 mm की दूरी पर दो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेनी है इस तरीके से, लंबी लंबाई इतनी रखनी है ताकि आपका जो भी आपको लेटर्स लिखने के लिए दे रखे हैं वो उसमें कंप्लीट आ जाए। उसके बाद क्या करोगे, इसको इस तरफ से क्लोज करोगे। क्लोज करने के बाद अब आप क्या करोगे, इस बिंदु पर एक लाइन ड्रॉ करोगे। ये जो लाइन ड्रॉ करोगे आप, आपको एक्यूट एंगल पर रखनी है, ठीक है। न्यून कोण पर किसी भी एंगल पर आप ये लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट आपको ध्यान रखना कि आपका एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल, और इसकी लंबाई भी आप अपनी मर्जी से रख सकते हो। ये जो लाइन का एंगल रखा है 10, 20, 30, 40, 50, कितने भी डिग्री का आप रख सकते हो, बस आपको ध्यान क्या रखना है, इस वर्टिकल लाइन से ये क्या किस एंगल पर होनी चाहिए, एक्यूट एंगल पर होनी चाहिए, न्यून कोण पर। उसके बाद क्या करोगे, आप कंपास लोगे, अपनी कंपास को इस बिंदु पर रखोगे और इसके 7 इक्वल पार्ट करोगे, ठीक है। कितने पार्ट्स करने आपको, 7 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि जो हमारे पास अनुपात की है वो कितना है 7:4। तो आप फर्स्ट वाला देखना पार्ट्स, तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ 7, तो आपको इस पर 7 बराबर चाप लगानी है। चाप की लंबाई आप अपनी मर्जी अनुसार रख सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, जितनी भी आप रखना चाहते हो, बट आपको ध्यान रखना है ये सभी चाप क्या आनी चाहिए, बराबर आ जानी, ठीक है। तो आपने एक चाप लगाई, फिर इस चाप बिंदु से अगली चाप, फिर इस चाप बिंदु पर प्रकार रखे अगली चाप, इस तरीके से कुल कितनी चाप लगानी है आपको इस लाइन के ऊपर, 7 बराबर चाप लगानी है। अब आप क्या करोगे, इन चाप बिंदुओं की नेमिंग करोगे, ठीक है, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। जब आप इनकी नेमिंग कर लो, नेमिंग करने के बाद ये आखिरी वाला जो पॉइंट आपका A7 वाला, उसको A बिंदु के साथ अपने स्केल की मदद से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से अपना स्केल रखकर या सेट स्केल जो भी आप रखना चाहते हो उसकी मदद से यहाँ पर आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। जब आप ये लाइन ड्रॉ कर लो, अब आपको क्या करना है, इन सभी बिंदुओं से, ठीक है, एक लाइन लेके जानी है बिल्कुल पैरेलल, जो आपकी सबसे नीचे लाइन है इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल रखनी है, ठीक है। इन सभी बिंदुओं से आपको एक लाइन लेके जानी है, वो लाइन इस लाइन के पैरेलल रखनी है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, अपना सेट स्क्वायर यूज करोगे। एक सेट स्क्वायर तो आप जो सबसे पहले लाइन आपने ड्रॉ करी थी उस पर रखोगे, उसके बाद दूसरे वाला सेट स्क्वायर आप इसको सपोर्ट के लिए, ठीक है, इसकी सपोर्ट के लिए दूसरे सिरे पर रखोगे। अब आप क्या करोगे, अपने सेट स्क्वायर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव करोगे, ठीक है। जैसे ही अगले पॉइंट पर पहुंचेगा आपको क्या करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है, इस तरीके से। ये दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। तो आप अपने सेट स्क्वायर को वहीं पर रख कर रखोगे, उसके बाद फिर सेट स्क्वायर को आगे की तरफ मूव करोगे, जैसे ही ये इस पॉइंट पर पहुंचेगा फिर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। ध्यान रखना कि इन सेट स्क्वायर के बीच में कोई गैप न रहे, और इसको आपको दबाकर रखना, ये जो बड़े वाला सेट स्क्वायर है, और इसको आपने धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट देनी है। तो इस तरीके से आप सभी पॉइंटों से पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे। जब आप ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, आप उसके बाद क्या करोगे, जो ये आपके पास बिंदु आया, इन बिंदु से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है इधर की तरफ। तो ये यहां पर आप क्या करोगे, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे। जितने भी आपको ये पॉइंट मिले हैं सभी पॉइंट से आपको इस तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। जब आप ये सभी लाइनें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, उसके बाद क्या करना, अपनी कंपास में ये वाली दूरी आपको मेजर करनी है। जब आप ये दूरी मेजर कर लो इसके अंदर कंपास लेकर, ठीक है, ये जो आपको रेड कलर की दूरी दिखाई दे रही है ये आपको कंपास में माप लेनी है, और कंपास को ये बिंदु पर रखकर, ठीक है, इसके ऊपर आपको आर्क लगानी है इस तरीके से, यहाँ पर एक चाप लगानी है। जब आप ये आर्क लगा लो, फिर इस चाप बिंदु से आपको अगली आर्क ड्रॉ करनी है।
इतनी लाइन ड्रॉ करने के बाद अब आप क्या करोगे, हर एक चाप बिंदु से जो आपके पास ये बिंदु आए अगली चाप आप लगाते चले जाओगे, और ये जो सबसे नीचे वाली लाइन आप देख रहे हो इसके ऊपर क्या करोगे अपनी पॉइंट ड्रॉ कर लोगे। अब आप क्या करोगे, ये जो आपके पॉइंट है इन पॉइंट से सभी वर्टिकल लाइन खड़ी रेखा ड्रॉ करोगे, तो आपकी ये सभी गाइडलाइंस बनकर तैयार हुई। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर अपना जो भी आपको वर्ड्स गिवन होता है वो आपको राइट करना होता है। तो इसके लिए जो हमें क्या राइट करना है, यहाँ पर ओनेस्टी, ओनेस्टी का जो रेशो कितना मेंटेन रखना है आपको, 7:4। तो आपके पास 7 ऑलरेडी आ चुके हैं, ये जो आपके बॉक्स है वो कितनी है, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद जो उसकी विड्थ है वो कितनी रखनी है आपको, 4। तो आपको क्या करना है, 4 बॉक्स काउंट करने हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। तो आपका जो पहला अक्षर होगा एच इन 4 बॉक्स के अंदर आएगा, ठीक है, उसकी हाइट ये रहेगी और उसकी विड्थ कितनी रखनी है, 4, क्योंकि अनुपात कितना हमारे पास, 7:4। तो आपको पहला बॉक्स छोड़ देना है, उसके बाद आपको स्टार्ट करना है, आपको कितने बॉक्स काउंट करने हैं, 4, 1, 2, 3, 4। अब आपको क्या करना है, इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को हल्का सा डार्क कर देना है, ठीक है। अब डार्क करने के बाद एच का जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो ऊपर से आपको कितने बॉक्स बनाना है, 3 बॉक्स के बाद, ठीक है, 1, 2, 3। और यहाँ पर आप अपनी ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे एच की, तो इस तरीके से आपका पहला अल्फाबेट एच कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड आपका ओ, तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले ये वाला जो वर्टिकल कॉलम है ये पूरा कॉलम छोड़ दोगे, उसके बाद नेक्स्ट 4 कॉलम काउंट करोगे, ठीक है, 1, 2, 3, 4। इसके अंदर आपको क्या लिखना है, ओ लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करोगे, ओनेस्टी के लिए ऊपर से 2 बिल्कुल सेंटर पॉइंट, ठीक है, ऊपर से 2 बॉक्स छोड़ के इसका जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पर कंपास रखकर इस तरीके से आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना ऊपर की तरफ। उसी तरीके से नीचे से 2 बॉक्स छोड़कर इसका जो ये सेंटर पॉइंट होगा यहाँ पर प्रकार रखकर इस बिंदु तक प्रकार खोलकर आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको दोनों तरफ से इस तरीके से मिलान कर दोगे, तो आपका नेक्स्ट अल्फाबेट कंप्लीट हुआ ओ। उसके बाद फिर एक कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम छोड़ दोगे, उसके बाद अगले 4 कॉलम आपको लेने हैं, इन 4 कॉलम में आपको क्या लिखना है, एन। तो आप सबसे पहले जो लास्ट वाली 2 लाइन है इनको हल्का डार्क करोगे, ठीक है। डार्क करने के बाद अब आपको ये सिंगल स्ट्रोक लेटर है सबको सिंगल सिंगल लाइनें रखनी है, उसके बाद क्या करोगे, इसके जो ये कॉर्नर है लास्ट में इन दोनों को आपस में क्या करोगे, मिलान करोगे इस तरीके से। तो आपका अगला अल्फाबेट कंप्लीट हुआ एन। उसके बाद फिर एक पूरा का पूरा कॉलम ड्रॉप करोगे, छोड़ दोगे, अगले 4 कॉलम लोगे, इन 4 कॉलम के अंदर आपको क्या लिखना है, ई। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये वाली लाइन आप डार्क करोगे, उसके बाद इसकी जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये लाइन और ये लाइन आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर से 3 बॉक्स छोड़ के, ऊपर से 3 बॉक्स छोड़ के यहाँ पर आप क्या करोगे, अपनी जो बीच वाली लाइन है अल्फाबेट ई की ये लाइन ड्रॉ करोगे, ये जिसकी जो लंबाई है बार वाली लंबाई से कम रखनी है, लगभग 2 बॉक्स के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अगला अल्फाबेट कंप्लीट होगा ई। उसके बाद फिर आप एक कॉलम ड्रॉप करोगे, छोड़ दोगे, अगले 4 कॉलम में नेक्स्ट अल्फाबेट ड्रॉ करोगे। इसके लिए पहले आपने कॉलम सेलेक्ट करोगे, तो ये वाला कॉलम पूरा छोड़ चुके हम, उसके बाद 4 कॉलम सेलेक्ट किए, 1, 2, 3 और 4। इसमें हमें क्या लिखना है, एस। तो एस को कैसे लिखोगे, जो सबसे ऊपर वाला आपका जो बॉक्स है, ठीक है, ये वाली जो रो है यहाँ से यहाँ तक, इसमें आप हल्की सी इस तरीके से आर्क बनाओगे, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। सबसे पहले नीचे की तरफ इस तरीके से आर्क एक, ऊपर की तरफ आर्क। उसके बाद क्या करना, इस ये 3 बॉक्स लेने आपने, ठीक है, 1, 2, 3, और अपनी आर्क को इस तरीके से ऐसे कंप्लीट करना है, सेम प्रोसीजर से नीचे 1, 2, 3, और इधर से इस आर्क को इधर से कंप्लीट करते हुए जाना आपको, ठीक है। हमने ऊपर से इस तरीके से इसको कंप्लीट किया, नीचे भी इस तरीके से कंटिन्यू किया इस तरीके से, उसके बाद इसको बीच में से इस तरीके से मिलान कर देंगे, तो आपका क्या कंप्लीट होगा, अल्फाबेट एस कंप्लीट होगा। उसके बाद अगला जो कॉलम है वो खाली छोड़ने के बाद अगले 4, क्योंकि हमें अनुपात कितने गिवन है, 4 है, ठीक है, 7:4। तो ऑलरेडी ये कितने बॉक्स है इस तरीके से, 7,
और इतना जो हम गैप ले रहे हैं वो कितने कितने बॉक्स का गैप ले रहे हैं, 4 बॉक्स का। तो ये बॉक्स छोड़ने के बाद अगले अपने 4 बॉक्स काउंट करने हैं, ठीक है। उन 4 बॉक्स के अंदर आपका अगला अल्फाबेट कौन सा आएगा, टी। तो टी के लिए आप सबसे पहले ऊपर हेड बनाओगे, हेड की ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे और इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में सीधी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दोगे। अगला अल्फाबेट कंप्लीट करने के बाद फिर एक कॉलम आप ड्रॉप करोगे, उसके बाद अगले 4 कॉलम आपको काउंट करने हैं। 4 कॉलम में आपको क्या करना, अब वाई मेंशन करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने हल्का सा डार्क, हल्का सा ध्यान रखोगे जो भी आपके कॉलम है, ऊपर से आप कितना होगे 3 तीसरे पॉइंट पर, ठीक है। 3 बॉक्स काउंट कर लो, 1 2 3, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा वहां पर इन दोनों कॉर्नर पॉइंट को इस तरीके से आप मीट कराओगे, ठीक है। और उसके बाद इसको नीचे की तरफ बढ़ाओगे सीधा, तो इस तरीके से आपका जो वर्ड्स होगा ओनेस्टी कंप्लीट होगा। तो आइयो बच्चों, सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आईटी संबंधी सब प्रकार के अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आईटी पाठशाला के साथ बने रहिए। थैंक यू।